नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत लक्ष्मी नारायण दास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कोड्स का, जैसे कि ASCII कोड, EBCD, IEC कोड, ग्रे कोड, XS3 कोड, BCD कोड। ये जो टॉपिक है ये BCA3 कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर सब्जेक्ट से लिया गया है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं किस प्रकार से इन कोड्स का क्या क्या काम होता है और ये कोड्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम ASCII कोड, ASCII कोड, देखते हैं कि ये कोड होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। तो ASCII स्टैंड फॉर द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इनका जो फुल फॉर्म है वो कौन सा है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जो कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए जो बनाया गया था, उस कोड को कहते हैं ASCII कोड कहते हैं। ASCII कोड, इसे अल्फा न्यूमेरिक कोड, यह एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है यूज फॉर डेटा कम्युनिकेशन इन डिजिटल कंप्यूटर, जो कि डिजिटल कंप्यूटर में कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ASCII कोड एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जिसका उपयोग डेटा कम्युनिकेशन के लिए डिजिटल कंप्यूटर में किया जा सकता है, या दूसरे शब्दों में, हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर में डेटा का कम्युनिकेशन, यानी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, डेटा का कम्युनिकेशन करने के लिए जो अल्फा न्यूमेरिक कोड है, उस कोड को ASCII कोड कहा जाता है। ASCII कोड 7-bit कैपिटल होती है, यानी 7-bit रिप्रेजेंटेशन के लिए किसका यूज किया जाता है? ASCII कोड का यूज किया जाता है। 7-bit कोड कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग 2^7 आर 128 नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर। यह जो है ASCII कोड जो होती है 7-bit कोड को रिप्रेजेंट करती है, जो कि या तो 2^7 या फिर 128 नंबर जो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। ASCII कोड इज मेड अप इन द 3-bit ग्रुप। ASCII कोड को मुख्यतः 3-bit ग्रुप में बनाया गया है, विच इज फॉलोड बाय ए 4-bit कोड, जो कि 4-bit कोड को फॉलोड करता है। यानी ASCII कोड को 3-bit ग्रुप में बनाया गया है जो कि फॉलोड करता है 4-bit कोड को। तो 3-bit में बनाया गया, फॉलोड करता है 4-bit, तो टोटल कितने हो गए? 7-bit। इसलिए हम कहते हैं ASCII कोड रिप्रेजेंट द 7-bit। नाउ कैसे कैसे होते हैं ये देखते हैं। ये तीन, फर्स्ट जो होता है ASCII कोड 7-bit, 7 और 8-bit अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं। ASCII कोड 7-bit या 8-bit अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं। दिस कोड कैन बी रिप्रेजेंट 127 यूनिक कैरेक्टर, इसमें 127 यूनिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। द ASCII कोड इज स्टार्टेड फ्रॉम 00H टू 7FH। ASCII कोड जो है 00H से लेकर 7AF तक चलता है। तो ASCII कोड, जिसे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहा जाता है, इसे 7-bit या 8-bit कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कोड कहते हैं, और यह जो है 7-bit को रिप्रेजेंट करता है। शुरू के जो 3-bits होते हैं इससे बनता है मेड अप द 3-bits, जो कि फॉलोड करता है 4-bit का। इसमें 127 जो होते हैं यूनिक कैरेक्टर होते हैं, और इसकी जो शुरुआत होती है, जो फर्स्ट जो होती है वो होती है 00H, और लास्ट जो होता है 7FH। इन दिस कोड फ्रॉम 00H टू 1FH इज यूज टू कंट्रोल द कैरेक्टर, एंड द कोड फ्रॉम 20H टू 7AF इज यूज फॉर द ग्राफिकल सिंबल। इसमें से जो 00H से लेकर 1FH तक का जो कैरेक्टर होता है उसे कंट्रोल कैरेक्टर कहते हैं, और जो 20H से लेकर 7AF जो होते हैं वो ग्राफिकल सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है। द 8-bit कोड होल्ड द ASCII। ASCII कोड का जो 8-bit होता है वो, विच इज सपोर्ट द 256 सिंबल। कितना सिंबल को सपोर्ट करता है? 256 को ये सिंबल जो है वो सपोर्ट करता है। वेयर द मैथमेटिक्स एंड ग्राफिक सिंबल आर एडेड, जिसमें कि मैथमेटिक्स और विभिन्न ग्राफिक जो सिंबल्स है उनको ऐड किया जाता है। तो ASCII कोड जो है वो दो होंगे, 7-bit 8-bit। 7-bit भी हमने देखा कि उसमें कितने होते हैं, 127
7 कैरेक्टर स्टोर होते हैं और 8 बिट जो ASCII कोड होगा वह होगा, उसमें कितना होगा, 256 सिंबल स्टोर होंगे। ASCII टेबल देखते हैं कि ASCII टेबल क्या होती है, ASCII टेबल किस प्रकार से रिप्रेजेंट होती है। द वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटिंग द ASCII कोड इन टेबल टू डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ये जितने सारे होते हैं, इसके लिए हम कुछ एक एग्जांपल देते हैं। ASCII कोड तो बहुत बड़ा होता है, जितने सारे भी है, अभी हमने कहा कि ये 127 यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, अगर 7 बिट का है, 8 बिट का है तो कितना है, 256 है। तो कुछ एक जो सिम्बॉल्स हैं हम उसकी डिस्कशन करते हैं कि कैसे किस प्रकार से होती है ASCII कोड जो होती है। जैसे कि बाइनरी 0 है तो बाइनरी 0 नंबर है, हेक्साडेसिमल 0 होगा, डेसिमल 0 होगा। तो इसे देखिए ASCII कोड में कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया, NUL null, द null कैरेक्टर इनकरेज द डिवाइस डू टू डू नथिंग, यहाँ पर null कैरेक्टर बतला रहा है कि डिवाइस कुछ भी नहीं करता है। तो ये कौन सा होगा, कंट्रोल कैरेक्टर कहलाएगा। हम जो डिस्कस कर रहे हैं मुख्यतः कौन से हमारे कंट्रोल कैरेक्टर से। अब 1 है तो 1 क्या हो जाएगा, डेसिमल में 1 है। अब ASCII कोड में इसको कहेंगे SOH, द सिंबल SOH स्टार्ट ऑफ हेडिंग। SOH क्या बताता है, स्टार्ट ऑफ हेडिंग, यानी कि आपका फर्स्ट डिजिट जो स्टार्ट है वो स्टार्ट ऑफ हेडिंग, इनिशिएट द हेडर। इसी प्रकार 2 जो है, 2 को कैसे करते हैं, STX, द सिंबल XTX स्टार्ट ऑफ टैक्स। इसी प्रकार 3 को करते हैं ETX, एंड ऑफ द टेक्स। इसी प्रकार 4th को EOT, एंड ऑफ टेक्स, सिंबल मैक द एंड ऑफ द कंप्लीट ट्रांजेक्शन। कंप्लीट ट्रांजेक्शन के लिए करते हैं। 3rd जो है मैसेज के लिए था। 5th ENQ, इंक्वायरी के लिए। ACK, एक्नॉलेजमेंट के लिए। BEL, बेल सिंबल के लिए। BS, लेट अस द कर्सर मूव टू बैक 1 स्टेप बैक स्पेस के लिए। तो अलग अलग जो हमारा बाइनरी और हेक्साडेसिमल डेसिमल नंबर है उसे हम जो है ये ASCII कोड के लिए अलग अलग सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब क्या है, कंट्रोल कैरेक्टर के बारे में पता है। इसी प्रकार से टोटल जो है 127 होते हैं, अगर 87 बिट ASCII कोड है तो टोटल इस प्रकार के जो यूनिक कैरेक्टर होंगे वो 127 होंगे। और यदि यह 8 बिट ASCII कोड है, ASCII कोड 8 बिट रिप्रेजेंटेशन दोनों होते हैं, ASCII कोड में 7 बिट रिप्रेजेंटेशन होगा और 8 बिट भी रिप्रेजेंटेशन होगा। तो 8 बिट जो ASCII कोड रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें जो है नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर होते हैं 256। नेक्स्ट हमारा है EBCDIC कोड, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंजेस कोड इज 8 बिट कोड विच मीन्स 2^8 इक्वल टू 256 वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डिजिट अल्फाबेट एंड स्पेशल सिंबल्स। यह जो कोड होता है EBCDIC, जिसे हम एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कहते हैं, ये 8 बिट कोड होता है, यानी कि 2^8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 256। तो ये एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का जिसमें हम डिजिट अल्फाबेट और स्पेशल सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। द EBCDIC स्टैंड फॉर द एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, जिसे ये जो कोड है इसको इनिशियली कैसे किया गया, किसने बनाया, तो IBM इनवाइट दिस कोड टू एक्सटेंड द बाइनरी कोडेड टू डेसिमल। इसे जो इसको IBM ने इंट्रोड्यूस किया था, इनवाइट किया था, जो क्या करता था, एक्सटेंड द बाइनरी कोडेड डेसिमल विच एक्सटेंड एट ए टाइम, हम बे बाइनरी कोड को डेसिमल एक्सटेंड करने के लिए इसका यूज किया गया था। ऑल द IBM कंप्यूटर एंड पेरिफेरल यूज दिस कोड। IBM के जितने सारे भी पेरिफेरल डिवाइसेस और उसके जो कंप्यूटर्स थे वो इस कोड का यूज करते थे। इट इज इन द 8 बिट कोड, यह एक 8 बिट कोड है, एंड देयरफॉर कैन बी कंपैटिबल टू 256 कैरेक्टर। ये कितने कैरेक्टर्स के होते थे,
256 कैरेक्टर के होते थे। तो ओवरऑल जो यह जो कोड है, ये इस कोड का उपयोग करते थे हम बाइनरी कोड को डेसिमल एक्सटेंड करने के लिए, एक्सटेंड टू द बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोड को डेसिमल एक्सटेंड करने के लिए, एक्सटेंडेड टू द बाइनरी कोड डेसिमल के लिए इसका यूज किया जाता था या किया जाता है। यहां पर हम देखते हैं कि ये जो एग्जांपल हमारे हैं इस टेबल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं ये कोड किस प्रकार से होते हैं। इसमें जो है टोटल 256 कैरेक्टर होते हैं, चूंकि 8 बिट रिप्रेजेंटेशन है इसलिए कितने कैरेक्टर होंगे इसमें, 256 कैरेक्टर होंगे, क्योंकि 2 के पावर 8 इक्वल टू 256 होता है। इसी प्रकार से 7 बिट का कितना था, 127 था, जो हमने इसके पहले देखा था ASCII कोड दो प्रकार के उसमें रिप्रेजेंटेड था, 7 बिट था जिसमें 127 कैरेक्टर थे, 8 बिट था जिसमें कितने कैरेक्टर थे टोटल, 256 कैरेक्टर थे। तो यहां पर देखते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग होते हैं। टेबल में देखिए कैरेक्टर ए बी सी डी हम अलग अलग ले रहे हैं, इसका कोड जो है एक्सटेंडेड जो बाइनरी एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज है वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहां पर अलग अलग के लिए अलग अलग बनाया गया है, ए के लिए अलग, बी के लिए अलग, सी के लिए अलग, डी के लिए अलग, अलग अलग इसके लिए कोड है। जो यहां पर देखिए 8 बिट में रिप्रेजेंट हो रहा है, दो अलग अलग ग्रुप में रिप्रेजेंटेड है 8 बिट में, फर्स्ट 4 बिट का ग्रुप है और सेकेंड 4 बिट का ग्रुप है। जो बाइनरी को एक्सटेंड किया है, आगे का एक्सटेंडेड जो है उसे लिया जा रहा है यहां पर। तो बैक साइड का जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे 1 है तो 1 को, और उसके बाद अगला जो टर्म है मान लो जाए 25 है, तो 25 में से जो 5 है वो फर्स्ट में रहेगा, 25 में से 5 जो है, अगर ये 25 होता तो ये 25 में ये 5 फर्स्ट में रहता और ये सेकंड में रहता। जैसे कैरेक्टर ए है, कैरेक्टर ए को हेक्साडेसिमल में हम क्या बोलेंगे, 10 बोलेंगे, तो लास्ट जो रहेगा वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट जो रहेगा 0 को रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोड्स यहां पर थे। नेक्स्ट है ग्रे कोड, इट इज ऑल्सो नोन एज द साइक्लिक कोड। ग्रे कोड को साइक्लिक कोड के नाम से भी जाना जाता है। रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड, जो कि बाइनरी कोड से रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड या ग्रे कोड क्या होता है, इट इज डिफाइंड एन ऑर्डरिंग ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम सच इज दैट इंक्रीमेंटल वैल्यू कैन ओनली डिफर बाय द वंस बीट। अर्थात ग्रे कोड का उपयोग हम ऑर्डरिंग के लिए करते हैं, वैल्यू जो इंक्रीमेंटल जो होती है उनके डिफरेंस के लिए इसका यूज किया जाता है। इन ग्रे कोड व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन स्टेप, जब ग्रे कोड एक स्टेप ट्रेवल कर देता है टू द अनदर स्टेप, ओनली वन बीट इन दिस कोड ग्रुप चेंज। जब एक स्टेप से दूसरे स्टेप में ग्रे कोड ट्रेवल करता है तो यहां पर केवल और केवल ओनली वन बीट इन द कोड ग्रुप चेंज, केवल और केवल एक ही बीट जो है ग्रुप का वो चेंज होता है। दैट इज इट इज ए वे दैट टू एडजेसेंट कोड नंबर डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय ओनली वन बीट। ये एक तरीका होता है जिसमें हम कह सकते हैं कि दो नंबर जो होते हैं वो केवल और केवल एक जो बिट है वन बिट से डिफर होते हैं, बाकी सारा चीज उसका सिमिलर होता है। तो साइक्लिक कोड या ग्रे कोड या इसको रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी कहा जाता है। इस कोड को मुख्यतः डिफाइन किया गया था ऑर्डरिंग के लिए, बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑर्डर करने के लिए, ऑर्डरिंग ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम के ऑर्डरिंग के लिए, जैसे कि इंक्रीमेंट वैल्यू जो डिफर फ्रॉम द अनदर वन बिट, जो कि अगला जो वैल्यू से कितना डिफर रहेगा, केवल और केवल एक बिट ही डिफर रहेगा। जैसे कि यहां पर बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन को समझते हैं, इसमें दो स्टेप रहेगा। फर्स्ट स्टेप जो होगा वो राइट द फर्स्ट डिजिट, इट इज फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहला जो डिजिट है उसको लिखेंगे और सेकेंड डिजिट जो रहेगा एट द सक्सेसिव डिजिट, एट द सक्सेसिव डिजिट अप विद द लास्ट डिजिट एंड इग्नोर द कैरी बिट। और जो पहला जो रहेगा फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि फर्स्ट डिजिट को लिखना है,
सेकेंड स्टेप में जो सक्सेसिव डिजिट है उसके साथ उसको लिखना है और लास्ट डिजिट के साथ उसको ऐड कर देना, बट कैरी को इग्नोर कर देना है। यहां पर इस एग्जांपल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से ग्रे कोड कन्वर्जन हो रहा है। देखिए हमारे पास बाइनरी नंबर है 01001। यहां पर देखिए सबसे पहला हमारा कौन सा लिया हमने, जीरो। तो जीरो का रिप्रेजेंटेशन कितना हो गया, जीरो। कैरी को हमें भूल जाना है, कैरी की बात नहीं करेंगे इसमें, कैरी को हम इग्नोर करेंगे। कैरी कितना आता है इससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है जो बाइनरी हम लिए हैं उसके पहले जो डिजिट है उनसे और उसका लास्ट जो सक्सेसिव जो डिजिट है उससे मतलब है। तो देखिए यहां पर कितना आया है, जीरो। इस जीरो को ऐड किए हम किसके साथ, वन के साथ। नेक्स्ट डिजिट हमारा कितना था, वन, तो वन के साथ हमने डिजिट कर दिया। तो इसका रिजल्ट जो सेकंड जो सक्सेसिव है वो कौन सा है, वन। इस वन को किसके साथ ऐड करेंगे, नेक्स्ट डिजिट कौन सा है, जीरो। अब इसका सक्सेसिव कौन सा बना भाई, जीरो। इस जीरो को हम ऐड किसके साथ करेंगे, जीरो के साथ। फिर इसका सक्सेसिव कौन बना, जीरो, और उसको ऐड करेंगे किसको, वन के साथ। तो यहां पर जीरो वन जीरो जीरो वन ये हमारा बाइनरी नंबर है, उसके साथ ऐड कौन होते जा रहा है, वो प्रीवियस जो डिजिट है उसका सक्सेसिव। जैसे यहां पर सक्सेसिव कौन था, जीरो, तो जीरो इसके वन के साथ ऐड हो गया। यहां पर सक्सेसिव कौन है, वन, तो वन किसके साथ ऐड हो गया, जीरो के साथ। यहां पर सक्सेसिव कौन है, जीरो, तो वो किसके साथ, जीरो के साथ। यहां पर सक्सेसिव कौन है, जीरो, तो वो वन के साथ ऐड हो गया। तो इस प्रकार से ग्रे कोड जो है वन बिट आगे बढ़ जाता है, मतलब जो कह सकते हैं कि एक डिजिट का वन बिट आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है, ग्रे कोड कहलाता है। इसमें हम कैरी को इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि बाइनरी नंबर है वन, वन का ग्रे कोड जीरो ही रहेगा, जीरो का ग्रे कोड जीरो रहेगा, वन का ग्रे कोड यहां पर किसी प्रकार से और ऐड नहीं हो रहा है, लास्ट में हो रहा है, इसलिए वैसे ही रहेगा। अब यहां पर देखिए एक चेंज हो गया, यहां पर जो है कैरी होते आगे बढ़ते गया, तो आगे बढ़ा तो सक्सेसिव ऐड हो गया, वन के साथ जीरो ऐड हो गया तो वन वन हो गया। इसी प्रकार यहां पर देखिए कैरी होते गया तो कैरी अलग निकलते गया, सक्सेसिव पॉइंट सक्सेसिव को हमने ऐड किया तो सक्सेसिव ऐड होते जाएगा। तो यहां पर जीरो जीरो फिर वन फिर उसके बाद जीरो के साथ ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, वन जीरो बन गया। तो इस प्रकार से हर एक जो बाइनरी नंबर है इनका हम ग्रे कोड प्राप्त कर सकते हैं। तो ग्रे कोड बनाने का जो तरीका है वो किस प्रकार से है, ग्रे कोड बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ रहा है कि हम उसके सक्सेसिव के साथ उसका एडिशन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमें ग्रे कोड प्राप्त हो रहा है। तीसरा है नेक्स्ट है एक्सेस थ्री कोड। एक्सेस थ्री कोड इज ऑल्सो ट्रीटेड एज द एक्स थ्री कोड। इस एक्सेस थ्री कोड को हम एक्स थ्री कोड भी कहते हैं, द एक्सएसएक्स थ्री कोड। तो एक्सेस थ्री कोड को एक्स थ्री कोड भी कहा जाता है। द एक्सेस थ्री कोड इज ए नॉन वेटेड, एक्सेस थ्री कोड जो होता है वो नॉन वेटेड होता है, एंड सेल्फ कंपोनेंट बीसीडी कोड, और यह बीसीडी कोड का सेल्फ कंप्लीमेंट्री होता है। एक्सेस थ्री कोड इज ए नॉन वेटेड, एक्सेस थ्री कोड एक नॉन वेटेड होता है, एंड सेल्फ कंप्लीमेंट्री बीसीडी कोड, और बीसीडी कोड का सेल्फ कंप्लीमेंट्री होता है। यूज टू रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर, इसका उपयोग डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। दिस कोड हैज ए बायस रिप्रेजेंटेशन, इस कोड के द्वारा हम बायस रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। द एक्सेस थ्री कोड यूज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एल्गोरिथम, एक्सेस थ्री कोड जो है एक विशेष प्रकार के एल्गोरिथम का उपयोग करता है, विच डिफर फ्रॉम द बाइनरी पोजिशन नंबर सिस्टम और नॉर्मल नॉन बायस बीसीडी कोड। ये जो होता है जो एक्सेस थ्री जो कोड है एक स्पेशल टाइप्स ऑफ बाइनरी स्पेशल टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम का उपयोग करता है, तथा यह जो है जो सामान्य बाइनरी पोजिशन नंबर सिस्टम होता है या नॉर्मल बायस बीसीडी कोड होता है उससे थोड़ा सा डिफर होता है। वी कैन ईजली गेट द एक्सेस थ्री कोड ऑफ डेसिमल नंबर बाय सिंप्लीफाई एडिंग थ्री टू ईच डेसिमल डिजिट।
हम आसानी से एक्सेस 3 प्राप्त कर सकते हैं। एक्सेस 3 कोड हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक डेसिमल नंबर पर हम अगर 3 जोड़ देते हैं, 3 जोड़ देते हैं, तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह एक्सेस 3 कोड होगा। तो डेसिमल नंबर बाय सिंपली एडिंग 3 टू ईच डेसिमल डिजिट, प्रत्येक डेसिमल डिजिट पर 3 जोड़ने पर जो हमें प्राप्त होगा वह क्या कहेगा, हमारा एक्सेस 3 कोड होगा। एंड देन वी राइट द 4 बिट बाइनरी नंबर फॉर ईच डिजिट ऑफ द डेसिमल नंबर। फिर हम जो है प्रत्येक जो डेसिमल नंबर है उनके लिए 4 बिट नंबर हम लिख सकते हैं। एंड वी राइट द 4 बिट बाइनरी नंबर ऑफ ईच डिजिट ऑफ द डेसिमल नंबर। प्रत्येक डेसिमल नंबर के लिए हम 4 बिट नंबर लिख सकते हैं। तो ग्रेक एक्सेस 3 कोड कैसे बन रहा है? एक्सेस 3 कोड बनाने के लिए एकदम आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई भी डेसिमल नंबर में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है वह कोड जो है एक्सेस 3 कोड होता है। यहां पर देखिए, वी कैन फाइंड द एक्सेस कोड, हम किस प्रकार से एक्सेस कोड फाइंड कर सकते हैं, गिवन द बाइनरी नंबर बाय यूजिंग द स्टेप्स। एक बाइनरी नंबर से एक्सेस कोड हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें वी कैन फाइंड द डेसिमल नंबर इन गिवन बाइनरी नंबर, देन वी ऐड 3 इन ईच डिजिट ऑफ द डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के प्रत्येक डिजिट में हम क्या करेंगे, ऐड 3 इन ईच डिजिट, हर एक डिजिट में 3 को ऐड कर देंगे। जो प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, हमारा एक्सेस 3 कोड होगा। जैसे कि डेसिमल नंबर का हमें क्या प्राप्त हुआ, 8421 BCD है। इसमें ऐड किसको कर रहे हैं, हम 3 को। 3 का बाइनरी कितना है, 0011। तो 3 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो रिजल्ट क्या बना हमारा, एक्सेस 3 फिल। नाउ वी फाइंड द बाइनरी कोड ऑफ ईच डिजिट ऑफ ए न्यूली जनरेटेड डेसिमल नंबर। इससे नया जो डेसिमल नंबर जो जनरेट होगा वो हमें प्राप्त होगा। तो जो डेसिमल नंबर है, दिया गया जो डेसिमल नंबर है उसमें डेसिमल नंबर ऑफ गिवन नंबर, देन वी ऐड, डेसिमल नंबर का हमें बाइनरी नंबर निकालना है, फिर वी ऐड द 3 डिजिट ऑफ ए डेसिमल नंबर, 3 उसमें ऐड कर देना है, तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो न्यूली जो डेसिमल नंबर रहेगा वो हमारा एक्सेस 3 कोड नंबर कहलाएगा। वी कैन ऑल्सो एड 0011 इन ईच 4 बिट BCD कोड ऑफ द डेसिमल नंबर फॉर गेटिंग एक्सेस 3 कोड। हम दूसरे तरीका ये होता है कि डायरेक्ट जो है BCD जो कोड हमें प्राप्त हुआ है, BCD कोड में अगर हम 0011 को ऐड कर देते हैं तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो भी हमारा एक्सेस 3 कोड होगा। इसके लिए टेबल देखते हैं। ये जो टेबल है, इस टेबल में देखिए हमारा ये BCD कोड है, इस BCD कोड में हम 0011 को ऐड कर देते हैं तो जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वो कौन सा, एक्सेस 3 कोड है। जैसे देखिए, जीरो हमारा BCD कोड था 0000, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, 0011, तो एडिशन कितना प्राप्त होगा, 0011। इसी प्रकार इसमें हम ऐड कर देते हैं किसका, 0001 में 0011 को ऐड कर देते हैं, तो 110 कैरी हो गया 1, फिर 110 कैरी हो गया 1, फिर 011 और 0, तो इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया हमें। तो हर एक जो बाइनरी नंबर है उस बाइनरी नंबर में हम 3 का जो बाइनरी नंबर है वो ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है वह रिजल्ट एक्सेस 3 कोड कहलाता है। नाउ देखते हैं हम बीसीडी कोड। बीसीडी कोड क्या होता है, द टर्म बीसीडी इन ए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आफ्टर ऑब्जर्वेशिंग द बाइनरी कोडेड डेसिमल एंड बीसीडी आर बाइनरी कोडेड डेसिमल इज दैट द नंबर सिस्टम आर कोड विच हैज द बाइनरी नंबर आठ डिजिट टू रिप्रेजेंट ए डेसिमल नंबर। बीसीडी कोड जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी कोड डेसिमल। यह वह नंबर होता है जो कि बाइनरी कोड और बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए, या कह सकते हैं विच इज द बाइनरी नंबर, यह एक बाइनरी नंबर होता है, और या फिर डिजिट टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर, या फिर डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक डिजिट होता है। तो बीसीडी कोड बाइनरी कोड डेसिमल, बाइनरी कोड को डेसिमल में रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है उसे हम कहते हैं बीसीडी कोड।
इट इज रिप्रेजेंट टू सेपरेट ग्रुप ऑफ बाइनरी बिट, इसे जो है सेपरेट ग्रुप ऑफ बाइनरी कोड में रिप्रेजेंट किया जाता है। एनी बाइनरी नंबर कैन बी रिटन 4821 बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर कंप्यूटिंग और लॉजिकल ऑपरेशन इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन एज द कंप्यूटर ओनली रीड 0 and 1s। देखिए यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान रखना होगा कि बीसीडी कोड को 8421 बाइनरी कोड भी कहा जाता है, जो कि ज़्यादातर डिजिटल कंप्यूटर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और जितने सारे भी डिजिटली कंपोनेंट होते हैं उनके बीच कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, जो कि 0 और 1 को ही रीड करता है। ज़्यादातर हमारे जो जितने सारे भी मशीन हैं, सारे संपूर्ण जितने सारे भी मशीन हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो सब किसको एक्सेप्ट करते हैं, 0 और 1 को एक्सेप्ट करते हैं। तो हमें अगर हमारा डेसिमल नंबर है तो उसको किस में रिप्रेजेंट कराना पड़ेगा, बाइनरी में, तो इसीलिए बाइनरी कोडेड डेसिमल कहते हैं। डेसिमल कोड को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने का तरीका ही कौन सा, हमारा बीसीडी कोड होता है। इन केस आप बीसीडी द बाइनरी नंबर फॉर्म बाय 4 बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर के केस में क्या होता है कि बाइनरी नंबर फॉर्म बाय 4 बाइनरी डिजिट या 4 बाइनरी डिजिट में रिप्रेजेंट होता है, इट विल बी इक्विवेलेंट द कोड ऑफ द गिवन द डेसिमल डिजिट। यह जो 4 बाइनरी डिजिट होगा ये वही होगा जो, या उसके बराबर होगा या इक्विवेलेंट होगा जो हमें डेसिमल नंबर जो दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं कि 1 and 2, देखिए यहाँ पर 12 जो नंबर लिया गया इसका बेस कितना है, 10, बेस 10 है, दैट मीन्स ये क्या है, डेसिमल नंबर है। इसका इक्विवेलेंट जो बाइनरी कोडेड होगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल होगा, वो कौन सा होगा, 0001 0012। यहाँ पर देखिए इसको जो 8 बिट है इसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं, 4 बिट और 4 बिट। तो 4 बिट फ्रॉम LSB जो लोअर होगा, लिस्ट जो होगा वो बाइनरी इक्विवेलेंट टू 2, एंड नेक्स्ट 4 बाइनरी जो होगा वो कौन सा होगा, 1 के इक्विवेलेंट होगा। तो शुरू का जो बाइनरी है जो होगा वो किसके लिए होगा, 2 के लिए होगा, और बाद नेक्स्ट जो 4 बाइनरी होगा वो इक्विवेलेंट होगा किसका, 1 के इक्विवेलेंट होंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2, ये 1 और 2 दोनों के लिए दो अलग अलग बाइनरी यहाँ पर निकाला गया है, 1 का अलग बाइनरी और 2 का अलग बाइनरी 8 बिट रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो 2 का बाइनरी जो रहेगा वो इक्विवेलेंट 2 के रहेगा, और नेक्स्ट जो 4 रहेगा वो किसका रहेगा, 1 के इक्विवेलेंट रहेगा। तो यहाँ पर जो 8 बिट जो रिप्रेजेंट होगा वो दो अलग अलग, दो डिजिट है तो दो अलग अलग, दोनों का अलग अलग बाइनरी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस प्रकार से हम इसका डायग्राम जो टेबल है इसमें देख सकते हैं कि 0 का 0 है, 1 का 001 है, 2 का, तो सेम कोड रहेगा जो बाइनरी का रहेगा, 1 2 3 4 7 जितने भी रहेंगे ये सब का सेम बाइनरी कोड रहेगा। लेकिन इसको कितने में रिप्रेजेंट करें, 4 बिट में। अगर मुझे 1 और 2 को रिप्रेजेंट करना है तो किस प्रकार से होगा, 1 का अलग रहेगा और 2 का अलग रहेगा। तो प्रीवियस एग्जाम्पल में देखे थे हमने 12 का, तो 12 का कैसा था, पहले किसका रिप्रेजेंट हुआ था, 2 का, फिर किसका प्रेजेंट हुआ था, 1 का। तो इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन इसका चलेगा। तो 12 में देखिए 1 और 2, 1 0 0 1 1 ये 2 का है, और 0 0 1 किसका है, 1 का है, तो 1 का, फिर नेक्स्ट जो नेक्स्ट 4 रहेगा वो इक्विवेलेंट रहेगा किसका, 1 का रहेगा। तो पीछे तरफ से हम चलते हैं, पीछे जो रहेगा वो किसका रहेगा, बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन हमेशा पीछे तरफ से चलता है, तो यहाँ पर जो रहेगा वो किसका था, 2 का था, और नेक्स्ट जो है सामने से वो कौन सा रहेगा, 1 का होगा। तो आज के इंटायर लेक्चर में हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के जो कोड्स होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। आज इस इंटायर लेक्चर में हमने देखा बीसीडी कोड के बारे में देखा, इस लेक्चर में हमने देखा कि हमारा एक्सेस 3 कोड कैसे होता है, कैसे इसमें ऐड किया जाता है, और उसके प्रकार ग्रे कोड कैसे होता है, ग्रे कोड का बाइनरी के साथ कैसे को बनाया जाता है ये हमने देखा। इसके अलावा EBCD IC कोड के बारे में देखा और ASCII कोड के बारे में देखा। तो आज का हमारा ये जो लेक्चर था ये जो था कोड पर डिपेंडेंट था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कोड होते हैं जो जिसका उपयोग हम डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए, डिजिटल कंप्यूटर्स में जो करते हैं
इसके बारे में आज का डिस्कशन ये लेक्चर था। थैंक यू।